किसान आंदोलन की वजह से आज एक बार फिर हरियाणा पंजाब सीमा पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। लेकिन इस बार हरियाणा पंजाब सीमा पर हाईवे किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने जाम किया था, जिसके पीछे की वजह पुलिस कर्मियों ने पंजाब में जारी किसान आंदोलन को बताया। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा हाईवे बंद किए जाने की वजह से हाईवे पर सफर कर रहे लोग परेशान होते नजर आए। ये तस्वीरें हरियाणा पंजाब बॉर्डर की है, जहां पुलिस ने खुद बैरिकेड लगाकर हाईवे जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान ना तो वहां किसान प्रदर्शनकारी जाम लगा रहे थे और ना ही राजनीतिक लोग। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पंजाब पुलिस ने खुद नेशनल हाईवे क्यों जाम किया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस द्वारा बैरिकेड लगा रास्ता बंद करने के कारण लोगों को पैदल ही बॉर्डर पार करना पड़ा और भारी परेशानी झेलनी पड़ी। गौरव जी, कहां से कहां जा रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? पानीपत से आया हूं और लुधियाना जा रहा हूं। ये जाने का रास्ता सारा बंद कर रखा है, बड़ी परेशानी हो रही है। किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी इस तरह वापसी जाना पड़ रहा है। कुछ बताया क्यों बंद किया गया? कुछ बताया जा नहीं रहा ना, देखो गाड़ियां आपके सामने मुड़ रही हैं, कोई किसी को बताया नहीं रहा, समझ नहीं लग रही क्या है। गौरव जी, कहां से कहां ट्रैवल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैं दिल्ली से लुधियाना जा रहा हूं और अम्बाला के अंदर पहले मैं एक घंटा फंसा रहा, अब यहां पे मेरे को वापस भेज रहे हैं। ये पंजाब की एंट्री है, यहां से मुझे वापस भेज रहे हैं। क्या रीजन क्या बता रहे? रीजन बता रहे कि आगे किसानों ने धरना किया हुआ है, तो बहुत मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ से रूट हमें भी नहीं पता कि हमें लुधियाना जाना बहुत ज़रूरी है, हमारे वहाँ पे एक मतलब कि इशू है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो एक किसानों का जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस संबंध के विच किसानों ने उत्थे पिछे संभू को जाम लाया वा, रोड बंद कर, भी कहते हैं भी 2 घंटे बैठना है उन्होंने 12 बजे तो 2 बजे तक, तो जो अफसर उच्च अफसर का हुक्म होगा जो खोल दिया जाऊगा बस जी। बंद किया जो उच्च अफसर का हुक्म आएगा जाम नू हटा देंगे, ट्रैफिक चालू कर देंगे जदी।